Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about the topic bond parameters. So, bachcho, in this topic, we will study about the some characteristics of the bond that will be its length, its angle, its order. So, and we will study it one by one. So, first is your bond length. Now, what is bond length? As you know, length is the distance between two points. Hai na? अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की लेंथ क्या होती है एक डिस्ट दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस उसकी क्या कहलाती है लेंथ सपोज मेरे पास ये लाइन है अब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी लेंथ है ना नाउ अब हमें ये किसकी फॉर्म में देखना एटम्स की फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में सपोज आई हैव एच टू मॉलिक्यूल सो हेयर दिस इज द वन हाइड्रोजन एटम हेयर इज द न्यूक्लियस

नाउ आप बोन लेंथ आप किससे फाइंड आउट करोगे स्पेक्ट्रोस्कॉप से या एक्सरे डिफ्रेक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन टेक्निक से ठीक है बेटा स्पेक्ट्रो ये सभी आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अंदर यू कैन ईजली फाइंड आउट द स्ट्रक्चर और द लेंथ और द एंगल ऑफ एन मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट आइटम्स क्लियर ना ईच ऐटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू द बॉन्थ हर एक बॉन्ड पेयर ठीक है ईच ऐटम ऑफ द बॉन्ड पेयर वो हमेशा कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर बॉन्ड लेंथ को कम जो है कंट्रीब्यूट करता है ठीक है जितने भी आपके बॉन्ड पेयर्स होते हैं ना वो हमेशा बॉन्ड लेंथ को कंट्रीब्यूट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड पर देखा जाए अगर इफ़ यू आर स्टडी विद द कोवलेंट बॉन्ड जो कि किससे बनता है शेयर करने से बनता है तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऐटम इज कोल्ड द कोवलेंट रेडियस तो हर एक एटम के कॉन्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे कोवलेंट रेडियस तो लेल स्टार्ट विद द इफ यू हैव टू एटम इफ यू हैव टू एटम एंड दीज टू एटम आर फोम्ड अ बॉन्ड विच इज शेयर्ड पेयर ठीक है दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है आपका शेयर्ड पेयर करने से बन रहा है इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड और इन्हीं दोनों ऐटम के बीच के डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी कोवलेंट रेडियस द कोवलेंट रेडियस इज मेजर अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन ऐटम स्कोर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द कोर ऑफ एडजस्टेंड एटम तो जनरली जो कोवलेंट रेडियस होता है हम कैसे मेजर करेंगे एज द रेडियस ऑफ एन स्कोर कि एक एटम के कोर का रेडियस ठीक है और वो किसके साथ कंटेक्ट कन, में होता है एडजस्टेड एटम के कोर के साथ इन बॉन्डेड सिचुएशन यू ऑलरेडी नो कि जो शेड पेयर होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं ओवरलैप करने से शेड पेयर जो एटम होते हैं जैसे हाइड्रोजन वन ये हाइड्रोजन है दूसरा एटम ये हमेशा कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करते तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन नाउ कॉर मीन्स इसके अंदर सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लिया एंड इट्स वन हाफ डिस्टेंस ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लिया एंड इट्स वन हाफ डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा कोवलेंट रेडियस क्या कहलाएगा आपका कोवलेंट रेडियस सो द कोवलेंट रेडियस आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बच्चे कि द कोवलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस Between two similar atom joined by covalent bond. कि दो एटमलेंट बाउंड से ज्वाइंट करते हैं तो उसकी हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका कोवलेंट रेडियस क्लियर नाउ सी दिस दिस इज द टू एटम हेर दिस इज द एटम ऑफ फर्स्ट एटम रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड इज द रेडियस ऑफ सेकंड तो दिस इज द वन हाफ डिस्टेंस ऑफ दिस टू तो यहाँ पर क्या कहलाएगा वन हाफ और यू कैन से कोवल एंड रेडियस नाउ सेकंड इज द वंडर वर्ल्ड रेडियस रिप्रेजेंट नाउ सेकंड इज वंडर वर्ल्ड रेडियस नाउ वंडर वर्ल्ड रेडियस आपका कैसा रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूटेड्स वेलेंशल इन द नॉन बॉन्डेड सिचुएशन नाउ कोवलेंट रेडियस तो क्या था कि जो दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस और उसका वन हाफ डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा कोवलेंट रेडियस क्लियर नाउ अब हमें देखना है वंडरबोल रेडियस और वंडरवल्ड रेडियस जो होता है द बिगर इन साइज ठीक है जो कैसा होता है बिगर साइज का होगा और ये किसमें जनरली होता है हेलिजेंस में और यू कैन से इन द नोबल गैसेस इन द नोबल गैसेस क्योंकि जब आप पीरियड में जाओगे रेगुलरली साइज डिक्रीज होता है लेकिन जैसे आप नोबल गैसेस में पहुंचते हो तो एब्रॉप्टली क्या करता है साइज इंक्रीज करता है क्यों क्योंकि हेलोजन तक तो आपका कोवलेंट रेडियस होता है लेकिन एकदम से कोवलेंट रेडियस से आप कहाँ चले जाते हैं वनडर वॉल रेडियस में जो किसके अंदर होता है हेलोजन आइटम सॉरी नोबल गैस के अंदर होता है तो देखिए आप कैसे नोबल गैस के अंदर सी अब ये नोबल गैस है ठीक है नोबल गैस या कोई भी विच इज एग्जिस्ट इन द हाइड्रोजन एटम वेदर द सॉलिड विच इज एग्जिस्ट इन द गैस विच इज एग्जिस्ट इन द गैस स्टेट और आपने उसको क्या किया हुआ है गैस स्टेट में लेकर आए हुए हैं किसी भी सॉलिड को जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड को या जो कोई गैस ही है तो वो हमेशा किस स्टेट में उसके अंदर जो रेडियस कैलकुलेट करोगे वो कैसे निकालोगे आप वो अंडरवॉल रेडियस की हेल्प से निकालेंगे तो निकाल के देखते हैं सपोज क्योंकि है तो वो भी कोवलेंट क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमेशा शेयरिंग करता है नॉन मेटल हमेशा क्या करता है शेयरिंग करता है नाव सपोज ये वन है वन क्लोरिन का मोलिक्यूल है नाव क्योंकि ये कौन सा मोलिक्यूल है दूसरा क्लोरिन का मालिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल लेकिन ये आपस में नॉन बॉन्डेड स्टेट में है और उसकी वन हाफ डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है वंडर वोल फॉर ऑफ अट्रैक्शन तो वंडर दे वर्ल रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम वो क्या दी बताएगी ओवरऑल साइज बताएगी जो कि वैलन शेल में होगा नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में फर्दर द नॉर् वंडर वॉल रेडियस जो होगा वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है जो भी मैंने आपको बताया था टू सिमिलर आइटम्स हैं लेकिन सेपरेट मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड ठीक है लेकिन, separate solid, लेकिन वो सेपरेट होगा जो कि सॉलिड स्टेट में होगा कोई भी मॉलिक्यूल लेकिन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता होगा या क्या हम उसको क्या लेके जा रहे हैं गैसी स्टेट में या ऑलरेडी वो गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करता होगा

दिस इज द डाटा रिगार्डिंग द ऑल बोंड लेंथ दैट इज़ ओ एच बों लेंथ इज नाइंटी सिक्स पीकोमीटर कार्बन हाइड्रोजन बोन लेंथ दट इज वन जीरो सेवन पीकोमीटर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोन लेंथ वन थर्टी सिक्स एंड इफ इज इथ इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज वन ट्वेंटी वन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज वन ट्वेंटी तो दैट मीन्स जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड उसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर विद द ट्रिपल बोंड जितनी बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज करेगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज करती है वो इजिली बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है नाउ द सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर इज बॉन्ड एंगल नाउ सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर इज बॉन्ड एंगल नाउ वट इज बॉन्ड एंगल नाउ सपोज वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर सपोज आई हैव ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैविंग टू बॉन्ड पेयर एन एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड पेयर ये जो दो बॉन्ड पेयर है ना दिज आर द लॉन्न पेयर्स और ये दो बॉन्ड पेयर हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है दट इज वन जीरो फोर पॉइंट फाइव डिग्री तो आप बॉन्ड एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर वेदर दे आर टेकिंग पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग और नॉट टेकिंग पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बॉन्ड पेयर बन जाएंगे और पार्टिसिपेट बॉन्ड बनाने में नहीं कर रहे हैं तो लॉन्ड पेयर बन जाएंगे ठीक है तो दैट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल के बीच का एंगल है जिसके अंदर क्या पाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मोलिक्यूल सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो बॉन्ड पेयर बनाओगे उसके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल और इट इज एक्सप्रेसड इन द डिग्री नो इट गिवस सम आइडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द ये में जो एंगल्स होता है ना जनरली एक आइडिया दे देता है कि एट सेंट्रल एटम पर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कैसे अरेंज हुए हुए हैं ठीक है और हमें उसकी शेप को डिटरमिन करने में हेल्प मिल जाती है जैसे कि एच ओ एच यानी वोटर के बीच में जो बॉन्डपेयर्स के बीच में एंगल है वो कितना है वन ज़ीरो फोर पॉइंट फाइव डिग्री का ठीक है ना नेक्स्ट इज थर्ड डैट यू से बोन एंड थेल्पी नो दिस बोन एंड थेल्पी नो एंड थेल्पी मीन्स हीट ठीक है एंड बॉन्ड मीन्स हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड और द हीट इज रिलीज वेन यू मेकिंग द ब्ड नो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड आपको कितनी एनर्जी चाहिए टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड उन पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन द गैसियस स्टेट अब बोन एंड क्या होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर बॉन्ड को तोड़ना है और अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमें क्या चाहिए एनर्जी तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिट्वीन टू एटम्स दो एटम के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी आप एनर्जी लोगे ना और वो लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए गैस येट में ठीक है वो उसकी क्या कहलाएगी बॉन्ड अनथल्पी फॉर एग्जाम्पल एच टू अब एच टू मॉलिक्यूल है गैसीय स्टेट में है तो एच टू को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए फोर थर्टी फाइव पॉइंट एट किलो जूल पर मोल एक मोल वन मोल को ब्रेक करने के लिए हमें कितना चाहिए फोर थर्टी फाइव पॉइंट एट किलो जूल एनर्जी चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमने दी है तो दैट मीन्स एंडोधर्मिक रिएक्शन है दैट मीन्स वैल्यूज कैसी आएंगी पॉजिटिव तो ये H2 मॉलिक्यूल है आपने इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में ब्रेक कर दिया मीन्स उन एटम में ब्रेक कर दिया जिससे ये बना हुआ है तो एच टू मोलिक्यूल किससे बना हुआ है दो हाइड्रोजन के एटम से तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दीज बोथ आर इन द गैसियस स्टेट तो दिस इज द एनर्जी नाउ कम टू ऑक्सीजन नाउ ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है डबल तो आप इसको इतनी एनर्जी दोगे और वो एनर्जी कितनी होगी फोर नाइन्टी एट किलो जूल और जब आप ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को फोर नाइन्टी एट सॉरी एक मोल मॉलिक्यूल को और वन मोल में आपको पता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स होते ही होते हैं और जब आप इसको इतनी एनर्जी दोगे तो वो दो ऑक्सीजन के आइटम में ब्रेक कर जाएगा नाउ थर्ड सिचुएशन इज इफ यू हैव द एन टू मोलिक्यूल ठीक है नाउ यू हैव द एन टू मोलिक्यूल नाव एन टू के बीच में कितना बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड and you will break this N2 molecule in the constituent nitrogen gas and you will see this 946 kJ per mole energy we have to supply for the breaking of N2 bond ऑफ एन टू बॉन्ड तो यहाँ से हमें पता चला जैसे जैसे बॉन्ड के नंबर इंक्रीज होते हैं मीन्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉन्ड एंथेल्पी भी क्या हो जाती है इंक्रीज होती चली जाती है नॉट इज इम्पॉर्टेंट एट लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथेल्पी तो हमें यहाँ से पता चला कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनथेल्पी इंक्रीज़ करेगी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी इसका मतलब बॉन्ड उतना ही स्ट्रोंगर होता है तो ये तो हमने बात करी थी सेम जैसे एच टू ओ टू एन टू एफ टू ये तो सेम होमो uh, दो न्यूक्लियर एटम है लेकिन अगर हम हीटरो न्यूक्लियर एटम लें मीन्स हीटिर न्यूक्लियर एटम मीन्स जो डिफरेंट एटम से मिलते हैं द कंपाउंड्स कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल लें फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज़ एच सी एल अब एच सी एल को जब आप एनर्जी दोगे तो एच सी एल गेट ब्रेक इन टू वन एच एंड वन सी एल द गैसियस स्टेट एनर्जी रिक्वायर्ड फोर थर्टी वन पॉइंट जीरो पर मोल अब पॉलीटॉमिक आयंस है पॉलीटॉमिक आयंस का मतलब जब एक से ज़्यादा एटम है ठीक है फॉर एग्जाम्पल वॉटर तो सपोज मैंने वॉटर को एनर्जी दी ठीक है सो so, सबसे पहले क्या बनेगा एक एच बनेगा और एक क्या बनेगा ओ एच नाउ अब मैं फिर से एक ओ एच को एनर्जी दूंगी अब क्या बन जाएगा एच अब एक ऑक्सीजन अलग हो जाएगी ठीक है नाउ अब हमें यहाँ से पता चला कि हमने दो बार एनर्जी सप्लाई करी है एक बार वाटर के, के केस में एच और ओ एच के बीच का बॉन्ड टूटा है और सेकेंड केस में क्या बना है ओ और एच दोनों के बॉन्ड को टूटा है तो इन केसेस में जिसमें एटम दूसरे आयन जो होते हैं या एटम्स जो होते हैं दूसरे बनते हैं अलग अलग तरह के बॉन्ड बनते हैं और फिर अलग अलग तरह के एटम्स को ब्रेक करने के लिए हमें फिर से एनर्जी देनी पड़ती है तो वो कहलाती है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंड थेलपी और जब हम एवरेज वैल्यू से निकालते हैं सो so सी दिस हम एग्जाम्पल वोटर का ही लेते हैं सी द वोटर एग्जाम्पल द मेजरमेंट ऑफ द बोन स्ट्रेंथ अगर आपको बोन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है किसके अंदर पॉलीटोमिक क्योंकि पॉलियोटॉमिक मॉलिक्यूल में एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कैसा एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होता चला जाता है ठीक है अब वाटर का देखें एंथेल्पी नीड्स टू ब्रेक टू ओ एच बोन है ना अगर वाटर का स्ट्रक्चर्स देखें तो यू सी दिस ओ एच एच दो ओ एच बोन देखने में तो ये लग रहा है बिल्कुल सेम पाएंगे एक ये ओ एच बोन और ये दोनों ही सिंगल बॉन्ड है और दोनों को एनर्जी अगर इसको जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने को मिलती होगी उतनी ही एनर्जी इस बॉन्ड को भी ब्रेक को मिलती होगी बट विच इज़ नॉट पॉसिबल ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि दोनों ओ OH एच को तोड़ने के लिए एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे कि जब हम वाटर का केस लेते हैं वाटर के केस में टू ओ एच बने हुए होते हैं तो दोनों को तोड़ने के लिए ब्रेक करने के लिए एनर्जी बिल्कुल सेम होनी चाहिए बट दिस इज़ नॉट द सेम दिस इज डिफरेंट क्लियर ये कैसी होती है डिफरेंट होती है तो अब हमें यही सीखना है कि ये डिफरेंट क्यों होती है नाउ सी फर्स्टली जब आपने वाटर को एनर्जी सप्लाई करी इट ब्रेक इंटू एच प्लस ओ एच ऑलरेडी आई विल एक्सप्लेन यू कि पहले वाटर को एनर्जी दोगे तो इट ब्रेक इंटू एच एंड ओ एच ना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज फाइव -जी जीरो टू किलो जूल पर मोल अब क्योंकि अब मुझे तो इसको भी कॉन्स्टिटेंट आइटम को अलग करना है नो ओ एच ओ एच इज़ ऑल्सो ब्रेक इंटू एच प्लस ओ नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड इज फोर ट्वेंटी सेवन नो एनर्जी इज फोर ट्वेंटी सेवन अब ऐसा क्यों डिफरेंस क्यों आया सेकेंड ओएच बोन को ब्रेक करने में बिकॉज अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो ओ एच सेकेंड ओ एच बोन की दिस सेकेंड ओ एच को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लग रही है एज कंपेयर टू फर्स्ट अब ऐसा क्यों बिकॉज ऑफ द चेंज केमिकल एनवायरमेंट क्योंकि केमिकल एनवायरमेंट बदल गया है और क्यों बदला है फॉर द सम डिफरेंसेस इन द एनर्जी ऑफ द सेम ओ एच बोन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम डिफरेंसेस यही आता है जब इथेनॉल को और वाटर को आप ब्रेक करते हो क्योंकि ऑक्सीजन का एनवायरमेंट जो होता है ओ एच बॉन्ड का एन्वायरमेंट जो होता है वो ब्रेक करने लग गया जिसकी वजह से एनर्जी भी क्या होती है इसका मतलब बॉन्ड वीक हो रहा है क्योंकि जल्दी ब्रेक कर रहा है तो जब एक ओ एच बॉन्ड ब्रेक कर देते हो तो बॉन्ड जो होता है वो वीक होने लग जाता है इसलिए जब सेकेंड टाइम ओ एच बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी कैसी लगती है कम लगती है तो इन केस ऑफ द पॉलिटॉमिक मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो हम कैसे निकालते हैं जितने भी आपने बॉन्ड ब्रेक करे हैं उनकी एवरेज वैल्यू लेके तो इसलिए हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एंड तो एवरेज बॉन्ड एंड कैसे निकालेंगे बच्चे दिस इज फॉर द ब्रेकेज ऑफ वन बॉन्ड एंड दिस द ब्रेकेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड बॉन्ड तो फाइव जीरो टू प्लस फोर ट्वेंटी सेवन एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे डिवाइडेड बाई टू एंड इट कम्स आउट टू बी फोर सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो देनी पड़ती है वोटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए और उसको किस में लाने के लिए कॉन्स्टिटेंट एटम्स में लाने के लिए नाउ नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर इज बॉन्ड ऑर्डर नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर होता है नाउ व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर अब नाउ व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड और होता है भाई ये बताओ भाई आपको जो मॉलिक्यूल दिया हो ना उसमें बॉन्ड सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है अब हमें पता है जो ये डबल ट्रिपल का जो स्पेशलिटी होती है ना बॉन्ड की वो सिर्फ कोवलन कंपाउंड्स में ही होती है आयनिक में तो नहीं होती है सो सी दिस ल्यूस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोवलन बॉल्ड जब आप लुइस ने डिस्क्रिप्शन की कोवलन बॉन्ड की तो हमें ये बताना होता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं एक है दो है या फिर तीन है फॉर एग्जाम्पल एच टू एच टू के बीच में कैसा बॉन्ड है एक ही शेयर पेड़ होता है इसका मतलब कैसा बॉन्ड है वन तो एच टू का ऑर्डर कितना है वन ओ टू में कितने बॉन्ड बनते हैं डबल बॉन्ड दो बॉन्ड बनते हैं एन टू में कितने बॉन्ड बनते हैं तीन तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया वन टू थ्री हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन थ्री सिमिलरली सी ओ सीओ की बात करें जब हमने इसका डॉट स्ट्रक्चर करा था तो इसमें कितने बॉन्ड होते हैं ट्रिपल तो इसलिए ऑर्डर क्या हो गया तीन ठीक है एंड टू ऑर्डर क्या हो गया थ्री तो एंथेल्पी की क्या हो गई नाइन फोर्टी नाइन फोर्टी सिक्स किलो जूल पर मोल तो यहाँ से हमें पता चला बच्चे कि N2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें 946 फोर्टी सिक्स किलोजुल पर मोल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और ये सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनथेलपी होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर थर्ड बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी सबसे ज़्यादा हाइस्ट एनर्जी होती है क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स ना वट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाव आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस मीन्स आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर तो उनका भी क्या होता है आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल एफ टू ओ टू टू नेगेटिव हैव बॉन्ड ऑर्डर वन एफ टू में भी कैसा सिंगल बॉन्ड होता है तो ओ टू टू नेगेटिव में भी कैसा बॉन्ड ऑर्डर है वन है यानी सिंगल बॉन्ड है जबकि ओ टू में कितना होता है डबल बॉन्ड सी ओ एन पॉजिटिव दे बोथ हैव बॉन्ड ऑर्डर थ्री तो यहाँ से हमें पता चला बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है सेम होता है नैक्स जनरल को रिलेशन यूजफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल अब अब बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ क्यों रहे हैं न बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताएगा स्टेबिलिटी बताएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में क्यों क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड एंड भी हाइयर होगी लेकिन स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी कम जैसे अगर इफ यू हैव द ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स बॉन्ड लेंथ तो कम है लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए थेलपी भी क्या हो गई है ज़्यादा हो चुकी है तो नाउ नेक्स्ट इज रेज़ोनेंस स्ट्रक्चर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर नॉट इज ऑफन ऑब्जर्व डेट अगल ल्यूस स्ट्रक्चर इज इन एडिकुट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोलिक्यूल ऑन कंफॉर्मिटी विद इट्स एक्सपेरिमेंटल नाउ क्या कहते हैं कि जो ल्यूस स्ट्रक्चर हम ड्रो करते हैं ना बच्चे किसी भी मोलिक्यूल के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई उसके आउटर मोशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो कितने हैं और उसको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं ठीक है एक्चुअल से तो बताता नहीं है तो क्या होता है कि हम ऐसे तो हम कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लेकिन नन ऑफ द स्ट्रक्चर करंट एक्सप्लेन द ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल भाई जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो प्रॉपर्टी नहीं बताते किसकी किसी भी मॉलिक्यूल्स की पूरी तरह से नन ऑफ द लुइज ड्रॉट स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन द ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल बट द एक्चुअल स्ट्रक्चर दट लाई इन बिटवीन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भैया हम एक लुइज डॉट स्ट्रक्चर जो लुइस कंसेप्ट है उससे हम कितने ही लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल उस कोई भी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की पूरी तरह से प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता डजेंट एक्सप्लेन द ऑल द प्रॉपर्टीज बट दो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो इन्हीं के बीच में से ही है जो ऑल तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ़ द प्रॉपर्टी जो है उस मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन करेगा तो वो जो स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन करेगा ना और डैट इज कॉल द रेजोनेटिंग हाइब्रिड और जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डैट इज कॉल द कनोलिकल फॉर्म और द Uh, Calcule structure. Now, see the structure of this ozone. If we draw the resonating structure of ozone, here first structure oxygen, 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 all these three oxygen arrange themselves like a triangle. So, here one is single bond and one OO bond is double bond. ठीक है लेकिन हम इस ओजोन के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड दिस इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाउ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज वन ट्वेंटी वन पिकोमीटर एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज वन फोर्टी एट पिकोमीटर ठीक है तो इसका मतलब जो ओजोन का मॉलिक्यूल होता है उसमें एक ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होती है अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वी नो डैट ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वो स्मॉलर होती है डबल बोंन्ड जो होती है वो स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड अब जब वो स्मॉलर है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल हो गया कि एक मॉलिक्यूल की एक बॉन्ड तो वही सिंगल और एक बॉन्ड हो गया डबल तो इसका मतलब मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल लेकिन जब हम स्टीरियोस्कोपिकली अगर हम स्टडी करते हैं तो जोन के दोनों मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ होती है जो इक्वल होती है और इट कम्स आउट टू बी वन ट्वेंटी एट पिको मीटर इट कम्स आउट टू बी वन ट्वेंटी एट पीकोमीटर और वो ये और हमें ये पता चलता है जिससे कि ओजोन जो है एक स्टेबल मोलिक्यूल है सो so, जब हम इनको ड्रॉ करते हैं इन बोथ द स्ट्रक्चर्स वी हैव ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बोंड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बोंड ठीक है नो एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किया जाता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की जो बोन लेंथ होती है ओजोन की वो वन ट्वेंटी एट पिकोमीटर पता चलती है और जो कि सेम होती है दस द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द ओजोन मॉलिक्यूल आर इंटरमीडिएट है ना क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो होती है आपकी 120 148 पिकोमीटर की और डबल बॉन्ड होती है 121 ट्वेंटी पिकोमीटर की तो इसका मतलब जो बॉन्ड एक्चुअली में है वो 128 है तो इन दोनों के बीच में हो गई है ना तो जिससे हमें पता चलता है कि जो इंटरमीडिएट निकल के आती है जो डबल और सिंगल बॉन्ड की ओब्वियसली इसका मतलब ओजोन के अंदर कि जो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं सब डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं तो इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि जो ओजोन के हम लुइज डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं जो एक्चुअल में जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन करेगा वो किसी भी दो लुइज स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रही है ठीक है तो यहाँ से कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस का पता चला है वो इज़ इंट्रोड्यूज तो यहाँ से हमें एक कंसेप्ट आया दिमाग में जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस और उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस और रेजोनेंस क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस वेन एवर अ सिंगल लूइज डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली अगर लुइज डॉट स्ट्रक्चर जब भी एक सिंगल मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो आप अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर एनर्जी हम एक नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं लेकिन सबके सिमिलर एनर्जी होगी पोजीशन ऑफ न्यूक्लिया सिमिलर होंगे बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर होंगे उनको हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर structure. उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो डिस्क्राइब करेगा ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंड डैट मॉलिक्यूल एक्यूरेटली सो हेयर अगर हम ओजोन के स्ट्रक्चर्स ड्रो करते हैं नो स्ट्रक्चर नंबर वन एंड स्ट्रक्चर नंबर टू ये एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे प्रॉपर्टीज को ओजोन की इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कैनॉलिकल फॉर्म ये क्या है हमारी कैनोलिकल फॉर्म और जबकि ये वाला स्ट्रक्चर जो उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है तो ये हो गया रेजोनेंट हाइब्रिड इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर दस द ओ थ्री द टू स्ट्रक्चर अबव कॉन्स्टिट्यूट द केनोनिकल स्ट्रक्चर जो दो स्ट्रक्चर्स थे उसको बोलते केनोनिकल स्ट्रक्चर्स और जो थर्ड स्ट्रक्चर था जो एक्ूरेटली ओजोन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे रेजुनेंस हाइब्रिड ठीक है और रेजुनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल बॉन्डेड एरो सम ऑफ द अर एग्जाम्पल्स ऑफ द रेजोनेस प्रोवाइडेड बाई द कार्बोनेट आइंस एंड द सी ओ टू मोलिक्यूल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सी ओ थ्री मोलिक्यूल नाउ वी हैव टू डो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी ओ टू सीओ थ्री टू नेगेटिव मोलिक्यूल अब हमें क्या कर रहे हैं कार्बोनेट आइंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रो करने हैं तो शुरू तो हमने लुइज डॉट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है तो फर्स्टली वी नो द बैलेंस इलेक्ट्रॉन of each and every element or the atom carbon 4 oxygen 6 you have 3 oxygen and plus 2 min minus 2 charge so 4 plus 18 plus 2 so equal to 24 means carbonate atom have 24 electrons so carbon double bond oxygen सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ टू ने ड्रो योर स्ट्रक्चर लाइक दिस क्योंकि डबल बॉन्ड तो मूव करता है वो फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है वो सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है और वो कहाँ हो सकता है थर्ड पोजीशन पर भी हो सकता है तो नाउ दिस ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हमें ये बताता है कि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम उसमें एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा होगा डबल बॉन्ड और दो कैसे होंगे सिंगल इसका मतलब कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया शॉर्टर लेंथ का और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया लॉन्गर लेंथ का लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करें ऑल दिस थ्री बॉन्ड आर इक्वल सो दिस थ्री स्ट्रक्चर्स आर कॉल कैनोनिकल और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर जो डबल बोन्ड होता है वो हर एक पोजिशन पे क्या करेगा मूव करेगा सो योर स्ट्रक्चर लाइक दिस विथ माइनस टू चार्ज तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ओजोन के तीनों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है तीनों जो उस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं उनका तीनों बॉन्ड लेंथ कैसा होता है इक्वल होता है नेक्स्ट इज द कार्बन सी ओ टू मोलिक्यूल स्ट्रक्चर यू हैव टू एक्सप्लेन द का सी ओ टू मोलिक्यूल तो जब हम सी ओ टू मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ठीक है विथ टू लॉन पेयर ऑन ईच ऑक्सीजन ठीक है नाउ इफ वी ड्रॉ दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ टू लॉन पेयर ऑन ईच ऑक्सीजन नाउ बिकॉज वी नो डैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे कार्बन से तो ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो जब आप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ से कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच के कहाँ जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनता है कार्बन सिंगल विद क्योंकि इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे आपने एक बॉन्ड पेयर मूव करवाया है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा आपका इस कार्बन पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज ठीक है नाउ अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो नाउ अब क्या हो जाएगा आपका जो स्ट्रक्चर स्ट्रो करेगा हेयर ऑक्सीजन क्योंकि वन पेयर चला गया है इसके पास वन पेयर था तो विद पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विद टू लॉन पेयर विद नेगेटिव चार्ज सो यू कैन ईजली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सीओ टू मोलिक्यूल नाउ नेक्स्ट इन जनरल इट मे बी नोटेड दैट तो जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ बातें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं जनरली तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेज द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनिक हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कनोलिकल स्ट्रक्चर्स तो रेजोनेंस जितने ज़्यादा रेजोनेसिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ना उस जिस मॉलिक्यूल के उतना वो स्टेबिलाइज होता है मोलिक्यूल क्यों क्योंकि जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है उसकी एनर्जी जो होती है जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा जो केनोलिकल फॉर्म की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है ठीक है सेकेंड क्या कहते हैं मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोलिकल फॉर्म और अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर कैनोलिकल फॉर्म और ना ये होगा कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो काफ कुछ टाइम के लिए तो वन कैनोलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या कुछ टाइम के लिए किस में एग्जिस्ट करेगा दूसरे केनोलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और नो सच इक्बेरियम बिटवीन केनॉलिकल फॉर्म और कोई इक्बेरियम भी नहीं आता इन दोनों केनोलिकल फॉर्म में जो हम टोटोमेरिक फॉर्म में देखते हैं नाउ टोटोमेरिक फॉर्म इज द आइसोमेरिज्म डेट अकर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और टोटोमेरिक फॉर्म जो एग्जिस्ट करता है वो कीटोन्स और इनोल कीटो और इनोल मींस कीटोन्स इन मीन्स डबल बॉन्ड ओल मीन्स एल्कोहल तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आता है जिसको हम बोलते हैं कीटो इनोल फॉर्म और द टोटोमेरिज्म इस तरह का इक्लीबेरियम जो होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक्जिस्ट नहीं करता नो द मॉलिक्यूल एज सच एज अ सिंगल स्ट्रक्चर विच इज़ द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ द कनोलिकल फॉर्म एंड विच कैन नॉट बी सच बी डिपिक्टेड बाय अ सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर वो कहते हैं द मॉलिक्यूल एज सच हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर भाई एज सच अगर आप कोई मॉलिक्यूल ले रहे हो जिसका क्या है सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर है विच इज अ रेजोनेटिंग हाइब्रिड और सिंगल स्ट्रक्चर ही रेजोनेटिंग हाइब्रिड है ऑफ द केनोलिकल फॉर्म एंड विच कैन नॉट एज सच बी डिपिक्टेड बाय अ सिंगल लुज स्ट्रक्चर तो आप उसको सिंगल लॉय स्ट्रक्चर के साथ डिपिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड तो वही स्ट्रक्चर होगा जिसकी एनर्जी ऑल द केनोलिकल फॉर्म में सबसे कम होगी तो यहाँ से हमें पता चला कि हाउ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल बाय और ऑलमोस्ट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द नाउ नेक्स्ट इज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड माई दिस टॉपिक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू बाय बाय